प्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो कि एक बच्ची की है। ठीक है, आपको ये कहानी बहुत ध्यान से सुननी है। उनमें आने वाले शब्दों का क्या प्रयोग किया गया है उसको भी बहुत ध्यान से सुनना है। तो अब मैं कहानी शुरू करने जा रही हूँ। मोना नाम की एक समझदार लड़की थी। मोना पढ़ाई और खेलकूद दोनों में बहुत होशियार थी। मोना के मम्मी पापा का कहना मानती थी, मोना के शिक्षकों का भी कहना मानती थी। मोना को खिलौनों से खेलने का बहुत शौक था। मोना के पास बहुत सारे खिलौने थे। तो आपने सुनी है छोटी सी स्टोरी, ये छोटी सी कहानी। अब इसी कहानी को मैं दोबारा से आपको सुनाने वाली हूँ। मोना नाम की एक बहुत समझदार लड़की थी। वह पढ़ाई और खेलकूद दोनों में होशियार थी। मोना हमेशा अपने माता पिता और अपने शिक्षकों का कहना मानती थी। जैसे आप लोग भी मानते हैं, है ना। उसे खिलौनों से खेलने का बहुत शौक था और उसके पास ढेर सारे खिलौने थे। आपके पास भी है ना खिलौने। आपने ये स्टोरी दो बार सुनी, आपने कुछ फर्क महसूस किया इनमें? जो मोना नाम है ये क्या है? ये नाम है, किसी का नाम है। हमने पढ़ा था संज्ञा में कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या किसी प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो मोना क्या है? एक संज्ञा है। लेकिन जब मैंने दोबारा वही कहानी दोबारा आपको सुनाई तब मैंने उसमें कुछ दूसरे शब्दों का प्रयोग किया। जहाँ जहाँ मैंने मोना 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 बार बार नाम ले रही थी उसकी जगह मैंने दूसरे शब्दों का प्रयोग किया। तो ये जो शब्द होते हैं इन्हें हम सर्वनाम यानी कि सब नामों के लिए एक नाम, इनको सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, आया समझ में? तो ये जो कहानी थी ये मोना के बारे में थी। जब हम किसी एक व्यक्ति के बारे में या किसी एक प्राणी, जगह, किसी के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हमें बार बार उस जगह का, उस व्यक्ति का, उस स्थान का या उसके वस्तु का, किसी का नाम लेने की ज़रूरत नहीं होती है। जब हम उसे संक्षिप्त रूप में यानी छोटे रूप में हम बोलना चाहते हैं तब हम वहाँ पे सर्वनामों का प्रयोग करते हैं। तो यही नाम जो होते हैं इनको सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि इस कहानी में था वह, अपने, उसे, उसके, ये सब क्या हैं? ये सब सर्वनाम। ठीक है, तो आपको ये जो सर्वनाम का जो चैप्टर है, ये जो पार्ट है आपकी व्याकरण में, व्याकरण की पुस्तक में, उसमें आपको पढ़ना है उसे और उसके अभ्यास कार्य को करना है। ठीक है बच्चों, मैं आपको अभी थोड़ी देर में आपका जो गृह कार्य है वो मैं आपको भेज रही हूँ। ठीक है, तो मैं आपसे दोबारा मिलूँगी। धन्यवाद।